अगर आपके मुंह में इस 11 लेविट फलूदा को देख के पानी आ रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आगे का वीडियो बहुत टेम्पटिंग होने वाला है। लेकिन अगर आप अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आज हम बनाएंगे मैंगो फलूदा। और ख़ास बात यह है कि जनरली जब हम फलूदा खाते हैं तो फर्स्ट बाइट में तो बहुत टेस्टी लगता है, बट धीरे धीरे वो इतना मीठा और इतना हैवी होता जाता है कि उसे आगे खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जो फलूदा बनाएंगे वो दिखने में जितना यम्मी दिख रहा है वो खाने में उतना ही टेस्टी होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा। इसको खाने के बाद आप पेट में बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे सफ़ेद आम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सफ़ेद आम लिया है। आप भी अपना फेवरेट आम ले सकते हैं या फिर जो भी आम लोकली अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इसके बाद हम आम को पील करके मीडियम साइज चंक्स में काट लेते हैं। आधे पीसेस को हम एक ब्लेंडर में डाल के एक स्मूथ मैंगो प्यूरी बना लेते हैं, और बाकी बचे हुए आधे पीसेस को हम रख लेंगे। हम इसे बाद में मैंगो फलूदा की लेयरिंग के लिए यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे विकफील्ड का मैंगो फलूदा मिक्स लिया है। फिर इसके बाद एक पैन में 1/4 कप पानी लेके और आधा कप दूध लेके इसमें 3 से 4 चम्मच फलूदा मिक्स डाल लेंगे। मैं एक खास बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हमने फलूदा मिक्स का यूज़ कर रहे हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, पर ये फलूदा मिक्स रेसिपी नहीं है और ना ही ये ऑथेंटिक फलूदा रेसिपी है। ये समवेयर इन बिटवीन है। ऑथेंटिक फलूदा रबड़ी की वजह से बहुत हैवी हो जाता है, और वहीं पे फलूदा मिक्स पैकेट आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड होता है और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जिससे बहुत मीठा हो जाता है। यहाँ पे ट्रिक ये है कि हम फलूदा मिक्स का यूज़ सिर्फ सेवैया और रबड़ी जैसा थोड़ा सा थिकेंड मिल्क बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम दूध को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए थोड़ा सा थिक कर लेंगे, और फिर बाद में उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख लेंगे। फिर फाइनली हम थोड़े से सब्जा सीड्स लेके उन्हें पानी में 5 मिनट सोक करके रख देंगे। इसके बाद हम एक लंबा सा गिलास लेके फलूदा की लेयरिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूह अफ़ज़ा या रोज़ शरबत की 1 लेयर डालेंगे, उसके बाद 1 लेयर सब्जा सीड्स की डालेंगे। देखिए, रोज़ शरबत और सब्जा सीड्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। रोज़ शरबत एक बेस फ्लेवर का काम करेगा और सारे फ्लेवर्स को अच्छी तरह से कंबाइन करके फलूदा का बहुत ही लाइट सी फीलिंग देगा, और वहीं पे सब्जा सीड्स आपके लिए बहुत हेल्दी रहते हैं और स्पेशली गर्मियों में आपके शरीर को बहुत ठंडक पहुँचाता है। इसके बाद हम एक बड़ी सी लेयर मैंगो पल्प भी डाल देंगे, और फिर इसमें 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का भी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 लेयर जेली की डाल देंगे। अगर आपके पास जेली नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 थिक लेयर फलूदा मिक्स की भी डाल देंगे। अब इसके बाद एक वापस से 2nd लेयर सब्जा सीड्स की डाल देंगे, और फिर एक बड़ी सी लेयर मैंगो के पीसेस के डाल देंगे। देखिए, आप फलूदा में जितने फ्रूट्स डालेंगे फलूदा उतना ही हेल्दी और टेस्टी बनेगा। अगर आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की मल्टीपल लेयर डाल सकते हैं। हम यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंट लेयर्स का आइडिया दे रहे हैं। आप भी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अलग अलग कॉम्बिनेशन के लेयर बना सकते हैं। हमने हमारे चैनल पे और भी डिफरेंट फलूदा रेसिपीज शेयर किए हैं, जिससे भी आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन का आइडिया मिल जाएगा। मैं उन रेसिपीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज़ आप भी अपनी फेवरेट लेयरिंग का आइडिया कॉमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दीजिए। फाइनली आप इसमें आइसक्रीम का 1 सेकेंड स्कूप डाल के इसे जेली, टूटी फ्रूटी, मैंगो पल्प या फिर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ये फलूदा बनाने का ये आइडिया पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से YouTube एल्गोरिदम को फ़ायदा मिलता है, और YouTube इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करता है। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।